हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर आपका स्वागत हम राजस्थान में कर रहे हैं, राजस्थान के अजमेर ज़िले में। और अजमेर में ये ढाई दिन का झोपड़ा है जो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आज हम घूमने जा रहे हैं। देखिए, ये बाज़ार से छोटा सा एक बाज़ार लगता है जहाँ से होकर गुजरना पड़ता है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप कैसे कि ये चहल पहल हो रही है। तो आज हम इधर ही जाएंगे ढाई दिन का झोपड़ा देखने के लिए। ये देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। और इसे बनाने के पीछे लोगों की अलग अलग रिवायतें हैं। कुछ कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है ढाई दिन के अंदर जिन्हों ने बनाया, और कुछ कहते हैं कि ढाई दिन के अंदर ये फतेह हुआ, एक छोटा सा किसी का किला था ये छोटा सा। और कुछ कहते हैं कि ढाई दिन यहाँ पर ख्वाजा साहब ने जो है यहाँ पर इबादत की। तो अलग अलग रिवायतें हैं। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। और ये देखिए आप, जो यहाँ की ख़ास चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कैसे यहाँ से देखिए, पूरी कलाम पाक की आयतें लिखी हुई हैं। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे तरीके से एक काम हुआ हुआ है जो शायद आज मशीनों से भी नहीं हो सकता इतनी जल्दी और इतना अच्छा। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और बहुत सारी यहाँ पे ये पिलर हैं, यहाँ पे पिलर जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी। और ये देखिए आप, इसकी छत पे कैसे काम हुआ है नक्काशी का, और बारीक बारीक यहाँ पे से सब बना हुआ है। ये नजम भाई बैठे हुए हैं। और ये देखिए आप, यहाँ सब पत्थरों से बना हुआ है। ये छोटे छोटे ये पिलर्स जो हैं यहाँ पे, इन पे नक्काशी का काम हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। ओ ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा, पीछे पहाड़ भी माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, ये यहाँ पे एक मस्जिद है साइड में ही इसके, तो वहाँ का नज़ारा, ये पीछे पहाड़ जो तारागढ़ के लिए हैं, तारागढ़ के पहाड़ हैं ये। ये सब देखिए कैसे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना लिया कुछ लोगों ने, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा दीवारों पर काम हुआ है। और ये पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, पुरातत्व विभाग के। तो ये देखिए, नजम भाई बैठे हुए, हम सब यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाते, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना से, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, चलो। आज हम यहाँ राजस्थान के अजमेर ज़िले में आए, और हमने यहाँ पर ये जो ढाई दिन का झोपड़ा है इसका देखा हमने यहाँ पर कैसे हुआ, और इसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। सही क्या है क्या नहीं ये तो अलग अलग रिवायतों में मौजूद है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे सही है वो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की। और इसी के साथ में हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, कि नेक्स्ट ब्लॉग में हम चलते हैं कोई और दूसरी जगह, अभी राजस्थान में ही हम रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।